नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही जानकारी काम की है दोस्तों। वो आपके लिए भी बहुत काम की है और आपके परिवार वालों के लिए, आपके आस पड़ोसी या आपके रिश्तेदारों सभी के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में तो सुना होगा और हमने उस बारे में वीडियो भी बनाई थी और आपको जानकारी देने की कोशिश भी की थी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस बीमा योजना की कि उसके अंदर होता क्या है। दोस्तों, सभी लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि उसके अंदर हमें जमा पैसा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, नहीं, उसके अंदर कोई जमा पैसा नहीं मिलता। ये योजना सिर्फ एक साल की होती है और ये हर साल रिन्यू होती है, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर जब पैसा होता है तो ये ऑटोमेटिक पैसे इसके अंदर कटते चले जाते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, बैंक की तरफ से कोई लेटर नहीं दिया जाता। आपके पास जो प्रूफ होता है वो आपके बैंक की पासबुक ही आपका प्रूफ होता है, क्योंकि उसी के अंदर वो एंट्री होती है जिसमें आपका पैसा कटा हुआ होता है। तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। और तीसरी बात, ये लोग हमसे पूछते हैं कि आप इसका पैसा किस तरह से आप क्लेम करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए बीमा धारक ने इस पॉलिसी को लिया हुआ है बैंक में, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से ये पैसा उनके नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी का जो लाभ है वो सिर्फ नॉमिनी को ही मिलता है। इस बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया। तो दोस्तों, सभी लोग इस बारे में परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका लाभ हम ले कैसे, यानी कि जो इसमें पैसा मिलता है 2-2 लाख रुपये, वो किस तरह से नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों, आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाले आपको कुछ और गाइड कर देते हैं, कुछ और बता देते हैं, लेकिन वो पूरी जानकारी नहीं देते। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी मैं दूंगा आपको कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का जो क्लेम है, जो पैसा है जो नॉमिनी को मिलना चाहिए, वो कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए, आपको ये एक पेज दिख रहा है, ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। और ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ये वही कंपनी है जो इस बीमा योजना के साथ जिसका टाई अप है, यानी कि सरकार ने इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ही इस बीमा योजना को चालू किया है। यानी कि अगर मान लीजिए बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो यही कंपनी आपको पैसा देगी। अब यहाँ पर आपको किस तरह से पैसा मिलेगा, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो आपको सबसे पहले 1 महीने के अंदर आपको बैंक में जाना है या बैंक के साथ संपर्क करना है। बैंक आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म देगा क्लेम फॉर्म। आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद उसके साथ आपको लगाने हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, देखिए वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, मैं इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा ताकि आप इसको वहाँ से देखकर पढ़ सकें। अगर आप इसे इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएंगे तो किसी और से इसे पढ़ के आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको अब करना क्या है, आपको जो बैंक आपको एक फॉर्म देगा उसको आप भरना है। उस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, और जो नॉमिनी जो आपका है उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है, और साथ ही साथ जो डिस्चार्ज स्लिप है, यानी कि जो भी मेंबर था जिसने बीमा लिया होता उसका डिस्चार्ज स्लिप भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर उसका दुर्घटना हुई है, हाथ पैर कट गए हैं, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपको पैसा मिलता है, तो उसका डिस्चार्ज स्लिप होनी चाहिए, या अगर मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और बैंक के जो आपकी पासबुक है उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, और आपको एक कैंसिल चेक, ये सारी चीज़ें आपको अपने बैंक को देनी पड़ेगी। ठीक है, देने के बाद आपको करना क्या, अब देखिए आप बैंक क्या करेगा, बैंक ये सारी चीज़ें अपने रिकॉर्ड में रखेगा। रिकॉर्ड में रखने के बाद वो इन सारी चीज़ों को पहले चेक करेगा कि आपका जो भी बीमा है उस साल के अंदर, यानी कि जिस साल में दुर्घटना हुई है उस साल में आपका पैसा कटा है या नहीं। तो बैंक अगर मना करता है तो आप अपनी पासबुक में ज़रूर वो एंट्री चेक कीजिए कि उस साल के दौरान आपका पैसा योजना का कटा है या नहीं। अगर पैसा कटा है तो आपको पैसा 100% यहाँ से मिलेगा। तो बैंक भी यही चीज़ें वो चेक करेगा, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा, और इस कंपनी के तरफ से आपके वेरिफिकेशन के लिए एक बंदा आता है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव आता है वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि ये सच में ही ऐसा कुछ हुआ है, हादसा हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आपको यहाँ पर वो क्लेम के पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कई बार इसमें बहुत ही देर भी हो जाती है, या कई बार मान लीजिए आपको मना अगर वो कर देते हैं या आपको कोई दिक्कत होती है तो देखिए यहाँ पर आपको इनका एड्रेस भी मिलेगा। आप इस लेटर में नीचे आपको एक एड्रेस दिया गया है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। आप यहाँ पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहें तो आप
मेल कीजिए, चाहे आप इधर ऑफिस में आप जा भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, अगर आपको बैंक वाले मदद नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट इस कंपनी में जाइए जो आपको एड्रेस दिया है। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको पैसा लेना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल में दी गई है, ताकि आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको जो भी असुविधा हो रही है पैसा लेने के लिए, तो वो आप यहाँ से पैसा आपको मिल पाए और आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि सभी लोग मेरे पे, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि उनके घर में हादसा हो गया लेकिन बैंक वाले उन्हें पैसा नहीं दे रहे या पूरी जानकारी नहीं दे रहे, तो इसलिए मैंने ये जानकारी जुटाई और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों, ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसको आप ध्यान रखिए, और ये पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप सबको आप दिखाइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी और से भी पढ़वाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको इसकी जानकारी पूरी मिले और आपको ये पता चले कि आप किस तरह से इस योजना में मिलने वाला जो पैसा है। दोस्तों देखिए, व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसका जो पैसा है उसके नॉमिनी को मिलना चाहिए, जो हक का पैसा है वो भी नॉमिनी को अगर नहीं मिलेगा तो इस योजना का कोई लाभ नहीं है। तो किस तरह से आप इस योजना में लाभ लेंगे, किस तरह से आप पैसा ले सकते हैं, वही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर आप पूछिए, और इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके बारे में जान पाए, क्योंकि सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और वो धोखे में रह जाते हैं और वो इन पैसों को नहीं ले पाते। तो दोस्तों, सभी लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारे बनाए हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।